तो 16 फरवरी को होने वाली वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग की ओर से व्यापक तैयारी जोरों पर है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी किरण गिट्टे ने कहा कि वोटिंग के दिए अगर कोई व्यक्ति किसी को वोट देने से रोकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे 1 साल की सजा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 19,000 सुरक्षा बलों सहित 31,000 के अधिक पोलिट स्टाफ को नियुक्त किया गया है। साथ ही बताया कि अब तक 65,000 लोगों ने पोस्टल मतदान किया है। गिट्टे ने त्रिपुरा के लोगों को 16 फरवरी की सुबह 7 बजे से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की। अगर किसी भी मतदाता को वोट डालने को लेकर समस्या होती है तो आयोग की ओर से जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 28 लाख से अधिक मतदाता है, स्थानीय स्तर पर समस्याओं को दूर करने की व्यवस्था की गई है। किसी व्यक्ति को वोट करने से रोकता है, रोकने की कोशिश करता है या कोई धमकी देता है तो उनके लिए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है तो उसके अंतर्गत कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक उनको जेल हो सकती है और फाइन हो सकता है। या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इनको कम से कम 3 साल तक सजा हो सकती है। ये प्रावधान सभी पहले भी इलेक्शन बाई इलेक्शन में भी हमने लागू किए थे। बाई इलेक्शन में भी हमने देखा ये हमने प्रावधान लागू किया था। इसके ऊपर अनेक लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। करीब 31,000 के आसपास है पोलिंग स्टाफ और पुलिस है 19,000 और करीब 5,000 है ड्राइवर और ड्राइवर के साथ जो होता है क्लीनर होता है वो। कुल मिला के 65,000 पोस्ट बलॉट का व्यवहार हो रहा है। पिछले 4-5 दिन से उन्होंने मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की है। सभी त्रिपुरा के जो वोटर्स हैं उनको हमने अपील किया है कि आप 16 तारीख सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक आप बड़ी संख्या में आप सामने आके वोट करिए, निश्चिंत होकर वोट करिए, निर्भय होकर वोट करिए। और आपको कोई दिक्कत आती है तो हमने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हमने लैंडलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आप इस पे आपको कोई भी समस्या है तो आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई राज्य में एक जगह से ये सब काम नहीं हो सकता क्योंकि 28 लाख के ऊपर मतदाता है तो अलग अलग जगह में अलग अलग समस्या आ सकती है। तो इसको लोकल लेवल पे मैनेजमेंट करने के लिए हमने ये व्यवस्था की है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निर्भय होके निश्चिंत होके आप वोट करने के लिए सामने आइए और आपके कोई भी इश्यू होता है, कोई भी समस्या है तो ये हमारे लैंडलाइन नंबर और मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर संपर्क करिए। स्टेट में कोई भी लीडर्स बाहर के आ नहीं सकते, चुनाव के दिन नहीं आ सकते और काउंटिंग के दिन नहीं आ सकते, इसके ऊपर भी बंधन है। 200 मीटर के अंदर मोबाइल फोन या वोटर छोड़ के और किसी को एंट्री नहीं है। वोटर स्लिप जो पॉलिटिकल पार्टी देंगी वो बाहर एक बूथ लगा सकते हैं 200 मीटर के बाहर, वहां पे एक टेबल, 2 चेयर, कोई शामियाना नहीं, टेंट नहीं, छाता लगा सकते और छोटा 3 फीट बाय 1.5 फीट का बैनर लगा सकते। ये 200 मीटर के बाहर होगा और वहां प्लेन पेपर पे वो वोटर के लिए स्लिप दे सकते हैं। लेकिन बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के है वो उस बूथ पे नहीं बैठ सकते, सिर्फ आपको वहां पे बीएलओ मिलेगा।